नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यहां पर ड्रीम 11 में जीतना चाहते हैं, अपना जो लॉस है उसे रिकवर करना चाहते हैं हेड टू हेड लीग के माध्यम से, तो आप हेड टू हेड लीग जो है वो किस तरीके से बड़ी ही आसानी से यहां पर जीत सकते हैं, क्या कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स है जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपना हर एक मुकाबला जो है वो ड्रीम 11 में विन कर सकते हैं। देखो, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ना ही इधर उधर की ज़्यादा बातें करूँगा, तो चलिए आते हैं यहाँ पर मेन मुद्दे की तरफ। तो इसके लिए गाइस, आपको अपना जो मैच खेलना है उसे यहाँ पर चुनना पड़ेगा। सपोज़ के लिए यहाँ पर मैं इंडिया और न्यूजीलैंड वाला जो सेकेंड वनडे मुकाबला होना है उसे यहाँ पर ले रहा हूँ। अब यहाँ पर आपने अपना जो मैच है उसे सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ पर अपनी जो हेड टू हेड लीग खेलनी है उस लीग को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो 5,750 रुपये वाली भी खेल सकते हैं, या फिर अगर आपका बजट कम है तो आप अपने हिसाब से खेल सकते हैं। इसके लिए गाइस, आपको यहाँ पर आना है और जिस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगी आधी लाइन हो रही है। आधी लाइन का मतलब ये है कि इस लीग को एक बंदे ने ज्वाइन कर लिया है और एक बंदे की अभी भी जगह बाकी है, तो इस लाइन को आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस लाइन को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आप लीडर बोर्ड को एक बार फिर से क्लिक करें। लीडर बोर्ड को जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो बंदे ने इस लीग को ज्वाइन कर रखा है और उसकी प्रोफाइल जो है वो आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद आपको इसकी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसकी प्रोफाइल पर करते हो क्लिक, तो आप देखेंगे इसका जो भी लेवल होगा, जो भी इसका जन्म कुंडली डाटा होगा, सारा ही डाटा आपके सामने आ जाएगा। इसकी लेवल आप देखेंगे तो 168 है। इसने यहाँ पर मैचेस जो है वो 554 खेल रखे हैं और 554 मैचों में इसकी जो विनिंग है वो 988 है। तो ऐसे बंदों के साथ आपको अपनी हेड टू हेड लीग जो है वो ज्वाइन नहीं करनी। अब अगर ऐसे बंदों के साथ आपको नहीं खेलना है तो आपको कैसे बंदों के साथ खेलना है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपको थोड़ा सा और नीचे जाना है और यहाँ पर आपको ऐसे कोई बंदे चुनने हैं जिनके मैच यहाँ पर ज़्यादा हो और विनिंग यहाँ पर कम हो। जैसे कि आप देखेंगे तो ये 99 लेवल वाला एक बंदा हमको दिखा और इसकी प्रोफाइल को अगर आप चेक करेंगे तो 304 मैच टोटल इसने खेल रखे हैं, जिनमें से यहाँ पर 378 मुकाबले इसने जीते हैं। तो ये एक एवरेज खिलाड़ी रहेगा। अगर आप चाहे तो ऐसे प्लेयर के साथ खेल सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो थोड़ी सी और मेहनत अगर आप करेंगे और आप ढूंढेंगे यहां पर तो आपको कुछ ऐसे भी बंदे दिखेंगे जैसे कि ये आप देखेंगे। तो इसकी जो लेवल है वो 79 है, लेकिन अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे 301 मैच इस बंदे ने खेल रखे हैं, जिनमें विनिंग अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 192 है। यानी कि ये बंदा जो है वो अपना हर दूसरा मुकाबला हारता है। तो ऐसे ही बंदों के साथ आपको अपनी जो लीग है उसे ज्वाइन करनी है ताकि आपकी जो विनिंग के चांसेस है वो 90% हो जाए। तो ये थी पहली टिप्स। इस चीज़ को आप यहाँ पर फॉलो करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे अपनी टीम की तरफ। अब टीम किस तरीके से बनाएंगे इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो इसके लिए गाइस, आपको यहाँ पर सिलेक्टेड बाय का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस ऑप्शन को आप एक बार क्लिक करेंगे तो जितने भी अच्छे प्लेयर होंगे, जिसने भी यहाँ पर इस सीरीज में अच्छे पॉइंट डलवाए हैं, ये सारे ही प्लेयर यहाँ पर ऊपर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको उन प्लेयर को अपनी टीम में पिक कर लेना है जिनको यहाँ पर 70% से ज़्यादा लोगों ने अपनी टीम में पिक कर रखा हो। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ तो आप देखेंगे लगभग इन प्लेयर को यहाँ पर 70%+ लोगों ने अपनी टीम में पिक कर रखा है। तो इन सारे ही प्लेयर को आपको अपनी हेड टू हेड लीग में पिक करना ही करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपके सामने वाली टीम में भी आपको ये प्लेयर दिखे। तो इससे आपका क्या बेनिफिट होगा कि ये सारे ही प्लेयर आपस में कट जाएंगे और इनके जो भी पॉइंट होंगे वो काउंट नहीं होंगे। तो अब आपको अपने बचे हुए तीन प्लेयर का चुनाव करना है। वो चुनाव आप किस तरीके से करेंगे उसके लिए गाइस, आपको एक बार फिर से यहाँ पर बैक आना पड़ेगा। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ बॉलर दिखेंगे और अगर आप थोड़ा सा इसको नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ अच्छे बॉलर दिख जाएंगे। जैसे कि आप देखेंगे तो जसप्रीत बुमराह को यहाँ पर सिर्फ 27% लोगों ने अपनी टीम में पिक करा है। शानी को यहाँ पर सिर्फ 8% लोगों ने पिक करा है। इसके अलावा गाइस, आपको यहाँ पर ऑलराउंडर सेशन में भी कुछ ऐसे प्लेयर दिखेंगे जिनको यहाँ पर 30% से कम पिक कर रखा हो। तो इस तरीके से आप अपने जो 11 प्लेयर है उसका चुनाव कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको फटाफट से 11 प्लेयर चुन के दिखा देता हूँ और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन का चुनाव जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ परसेंटेज दिखेंगे। आप देखेंगे तो केएल राहुल को यहाँ पर 26% लोगों ने अपनी टीम में कैप्टन बना रखा है, जबकि विराट कोहली को यहाँ पर बना रखा है यहाँ पर 32% लोगों ने अपनी टीम में कैप्टन। तो चलिए,
मैं कैप्टन वाइस कैप्टन बना के आपको हमारी जो फाइनल टीम है उसे दिखाऊंगा। तो इस तरीके से आपकी जो टीम होगी वो तैयार हो जाएंगी। और एक बात और ध्यान रखिए कि आप अपनी जब भी टीम बनाएं उस टीम को आप अपडेट करके जरूर देखें मैच स्टार्ट होने के 5 मिनट पहले, क्योंकि 5 मिनट पहले वहाँ पर टॉस के बाद काफ़ी सारे प्लेयर ड्रॉप और पिक होते हैं। इसी के चलते जो परसेंटेज होती है वो ऊपर नीचे होती है और लास्ट टाइम पर आपको परफेक्ट परसेंटेज दिखेंगी यहाँ पर प्लेयर की और आप अपनी एक बैलेंस और अच्छी टीम बना पाएंगे। तो इस तरीके से गाइस आप यहाँ पर खेलेंगे तो आप अपनी हेड टू हेड लीग को बड़ी ही आसानी से यहाँ पर विन कर सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो आया हो पसंद, और अगर वीडियो पसंद आए और अगर आप चाहते हैं मैं ड्रीम 11 और फैंटेसी ऐप्स के बारे में और भी वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स करें। और अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो आप देखेंगे ये ही हमारा टेलीग्राम का चैनल, और टॉस के बाद हम आपके साथ यहाँ पर जुड़ के फाइनल जो भी हमारी टीमें होती है वो हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर अगर आप चाहें तो डायरेक्ट टेलीग्राम पर आरजे ड्रीम 11 सर्च करके भी हमारे चैनल तक पहुँच सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।